उसमें फिर अगेन हमारा एज ए स्कूल के थॉट थी ना कि जो तालीम है वो किताब के अंदर नहीं है, स्कूल जो है वो किताबों पे एक तरह से कैद हो गए हैं। हमारी थॉट ये थी कि स्कूल एक अपॉर्चुनिटी, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये देखा कि बाकी जगहों से हमने सीखा कि यार कहाँ पे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए एक ऑनेस्टली शॉप का हमें एक कंसेप्ट मिला। तो अब हम पिछले कुछ 10-12 साल से हमारे यहाँ ये ऑनेस्टी शॉप्स चल रही हैं। पहले एक थी, वो बढ़ के ज्यादा हो गई है, 3 हो गई है स्कूल के अंदर। उसमें होता क्या है कि टेबल है जिसके ऊपर पेंसिल रेजर शार्पनर्स पड़ी हैं और ऊपर कोई अटेंडेंट नहीं होता, कोई कैमरा नहीं है, बच्चा जाता है उसके ऊपर प्राइस मार्क है, वो खुद उठाएगा उसमें से पेंसिल रेजर शार्पनर जो उसकी चॉइस है और वो मनी बॉक्स में पैसे रख देगा। पैसे भी क्लोज बॉक्स में है, वो ओपन करके चेंज लेना चाहे वो ले सकता है, और अगर आज उसके पास पैसे नहीं है तो वो चीज ले ले और कल खुद लाके पैसे उसमें डाल देगा। और इसको मैनेज भी बच्चे करते हैं, टीचर नहीं मैनेज करता उसको, उसका कम होगी चीज परचेज करना, वो सारा कुछ जो कुछ है मैनेजमेंट उसके पास है। ऐसे ही फिर हम बच्चों के लिए पथी डेवलप करना चाहते थे, हमने डोनेशन बॉक्सेस इंस्टॉल किए जगह जगह। हम बच्चों को ये इंकरेज करते हैं कि अपने पॉकेट मनी से, पेरेंट्स से नहीं मांगना, अपने पॉकेट मनी से डोनेट करो कुछ कुछ। तो वो जो डोनेशन बॉक्सेस है उसके अंदर जब कुछ अमाउंट इकट्ठी हो जाती है तो वो फिर उसको फिर बच्चे मॉनिटर करते हैं और उसको जब कलेक्ट कर लेते हैं तो उनकी एक कमेटी है, वो बैठ के डिसाइड करती है कि किस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को वो देना है, तो वो उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को वो देते हैं। ऐसे ही हम साइंटिफिक उसके ऊपर भी करना चाह रहे थे कि बच्चों के अंदर कैसे हम स्किल्स डेवलप करें। तो हम फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं हमारे, जिसमें एक ये है कि वाटर कंजर्वेशन का हमने बच्चों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किया कि जी एक बहुत बड़ा इशू है इसको पाकिस्तान के अंदर है कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, ज़ाया हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसमें फिर हमने क्या किया कि हमने बच्चों ने उसमें जितने हमारे वाटर कूलर्स हैं उनके साथ एक कंटेनर्स इंस्टॉल किए, क्योंकि जो पानी वाटर कूलर पे हो रहा था वो साफ ही ज़ाया हो रहा होता है, वो बच्चा आधा पीता आधा उसको गिरा देता है, तो वो कलेक्ट करके हम उसको पौधों पर यूज़ करते हैं। इसी तरह जो दूसरा ग्रे वाटर होता है जिसमें साबुन या सर्फ वगैरह है, तो वो कैफेटेरिया के अंदर होता है या बाथरूम के अंदर, उसको भी कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करते हैं और उसको दोबारा धुलाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा साइंस में एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे स्कूल के अंदर जो फूड वेस्ट है उसको फेंका नहीं जाता, उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। वो प्रोजेक्ट भी बच्चे करते हैं और उसको हम एज ए एंटरप्रेन्योरशिप भी हम लेके जा रहे हैं, वो बच्चे उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को सेल करेंगे और उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो फूड का जितना वेस्ट है स्कूल के अंदर उसको कलेक्ट करके उसको ट्रीट करके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाया जाता है। तो ऐसे ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और भी हैं जो